नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि आज संडे को भी करंट अफेयर्स कैसे आ गया। थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और हम अपने पुराने पैटर्न पर लौट रहे हैं। पुराने पैटर्न के मुताबिक, यानी कि हम जैसे पहले आपको करंट अफेयर्स दिया करते थे वहां पर उसी तरीके से देने वाले हैं। उसमें क्या करने वाले हैं कि आपको मंडे को करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा, अब आपका जो करंट अफेयर्स होगा वो मंगलवार से लेकर रविवार तक रोज सुबह 5 बजे आएगा। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मंडे को जो करंट अफेयर्स होता है वो ऑफिस बंद होने की वजह से आपके लिए अपडेट नहीं आ पाता था और मुझे अक्सर ये करना पड़ता था कि मुझे कैमरे के पीछे रहकर वाली रिकॉर्डिंग आपको देनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं हर दिन आपके सामने रहूंगा। फिलहाल आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आज के करंट अफेयर्स मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। मुझे पता है कि आप करंट अफेयर्स मिस नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ आप इसे शेयर भी नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इस संपत्ति को अपनी संपत्ति समझिए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। आप कहेंगे सर कोई जबरदस्ती है क्या लाइक करने की? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई, रिक्वेस्ट है। अगर आप कर सकते हो तो कर दो, वैसे बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगेगा उसमें आपको लाइक करने में। एक बार आपको लाइक करना है, हाँ दो बार लाइक मत कर देना क्योंकि जो लाइक होगा वो अनलाइक हो जाएगा। तो हाल फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और सबसे अधिक वेतन पाने वाले सेलिब्रिटीज की सूची अभी जारी की है फोर्ब्स ने। इसमें टॉप पर कौन आए हैं, कौन भारतीय शामिल हुए, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये है, शुरू होते हैं आज के 7 जून के करंट अफेयर्स। सबसे पहली जानकारी भी आपकी यहीं से जुड़ी हुई है कि काइली जेनर और कान्ये वेस्ट दोनों ही फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जबकि काइली जेनर की बात करें तो वो एक अपनी कंपनी भी चलाती है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की, जिसे काइली कॉस्मेटिक के नाम से वो ब्रांड प्रमोशन करती है। और विश्व की सबसे युवा अरबपति की सूची में भी वो पहले नंबर पर है। हालांकि इस सूची में जो कि शामिल किए गए हैं, इसमें खिलाड़ी भी शामिल किए गए और इसमें सेलिब्रिटी भी शामिल किए गए, या मशहूर हस्ती समझ लीजिए जिनका मतलब कुछ समाज में नाम है, सोसाइटी में नाम है, या उनके फैन फॉलोइंग है, तो उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें काइली जेनर और कान्ये वेस्ट पहले स्थान पर आए हैं, जबकि रोजर फेडरर और लियोनेल मेसी, ये इन्होंने शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाया है। भारत की तरफ से एकमात्र सेलिब्रिटी इसमें शामिल हुए हैं, वो हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी की उम्र 52 साल है और उनको इस बार रैंकिंग भी इसमें 52 मिली है और उन्होंने 19 स्थान अपने गंवाए हैं। यानी पिछले बार वो 33वें नंबर पर थे और इस बार वो 52वें स्थान पर पहुंच गए हैं, वो अपनी रैंकिंग में खिसक गए हैं। जबकि पिछली बार जो उनकी इनकम थी वो 490 करोड़ बताई जाती है, जबकि इस बार 485 करोड़ पर ही वो 5 करोड़ का उनका लॉस हुआ है, या 5 करोड़ वो इस साल नहीं इनकम कर पाए। अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार एक बार जब उन्होंने शुरू किया था कमाना, पैसा कमाना, तो उन्होंने सोचा था कि मैं सालाना केवल सिर्फ 10 करोड़ रुपए कमा लूं तो मेरी जिंदगी सुलभ हो जाएगी, उससे ज्यादा मुझे नहीं कमाना है। लेकिन एक बार 10 करोड़ कमा लिए तो फिर कब 100 करोड़ पे आया और फिर कब 200 करोड़ पे, मुझे खुद पता नहीं चला। तो ये इंसान की इच्छाएं हैं, कभी पूरी नहीं होती। तो उसी प्रकार से अक्षय कुमार जी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका नाम उन सेलिब्रिटी में शुमार होता है जो अच्छे काम भी करते हैं। जैसे कि कोरोना COVID-19 के दौरान उन्होंने 25 करोड़ रुपए दान दिए थे और इतना बड़ी रकम दान करने वाले वो पहले सेलिब्रिटी थे। हाल ही फिलहाल अगर अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने इस सूची में जेनिफर लोपेज और विल स्मिथ जैसे बड़े सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है। इवन एक मशहूर पॉप सिंगर है रिहाना, उनसे भी ज्यादा उनकी कमाई है। तो अक्षय कुमार 52वें स्थान पर है, लेकिन पिछले साल वो 33वें स्थान पर था, सूची में गिरे हैं। लेकिन इस बार सबसे पहले नंबर पर है काइली जेनर और कान्ये वेस्ट, जबकि रोजर फेडरर खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर नजर आए थे। लियोनेल मेसी जो कई सालों से लगातार टॉप पर थे, वो इस साल 3रे नंबर पर नजर आए। अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी भी एक रैंकिंग से जुड़ी हुई है। ये रैंकिंग एशिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है। इस रैंकिंग को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप ने। इस रैंकिंग के मुताबिक चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो है वो विश्व की एशिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जबकि भारत की तरफ से सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी या सबसे अच्छा विश्वविद्यालय जो नजर आया है वो IISc बेंगलोर नजर आया है। IISc बेंगलोर को इस बार इस सूची में 36वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि पिछली बार वो 29वें स्थान पर था। यानी कि इस बार उसकी रैंकिंग थोड़ी सी डाउन हो गई है। इसमें अगर देखा जाए तो कम से कम जापान की 110 यूनिवर्सिटी है जो टॉप पर है। इसके बाद चाइना का नंबर आता है जिसकी 86 यूनिवर्सिटी जो है जो टॉप पर है, जबकि भारत जो है वो 3रे नंबर पर आ रहा है जिसकी 56 यूनिवर्सिटी टोटल यहां पर इस लिस्ट में शामिल हुई है, जिसमें से भारत के 8 विश्वविद्यालयों को टॉप रैंकिंग टॉप 100 में शामिल किया गया है। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को भी स्थान मिला है। रैंकिंग ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा संचालित की जाती है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय IIT शामिल है, जिनमें दिल्ली, खड़गपुर, रोपड़, इंदौर, बंबई और रुड़की क्रमानुसार शामिल है, जबकि पहले नंबर पर आपका IISc बेंगलोर है जो भारत में रैंकिंग पर सर्वश्रेष्ठ है। और इस बार इस रैंकिंग में इसकी जो रैंकिंग है वो 36 है।
अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, सुमेरुपैक्स। सुमेरुपैक्स क्या है? डीआरडीओ ने अभी हाल ही में एक ऑपरेटर डेवलप किया है। इस ऑपरेटर से क्या किया जा सकता है, ये एक बैग टाइप का होगा और वो ये पीपीई किट पर इंस्टॉल हो जाएगा। पीपीई किट होती है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये एक तरह का पूरा वस्त्र होता है जिसको डॉक्टर या जो भी आपके नर्सेज वगैरह होते हैं वो पहनते हैं, आपने देखा भी होगा इसका। तो उन्होंने शिकायत की थी कि इसको 30 से 45 मिनट से ज्यादा नहीं पहना जा सकता, ऐसे में हमारे बहुत पसीना आता है, शरीर में नमी की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से काफी सारी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी सामने आ सकती है। तो डीआरडीओ ने इस पर काम करना शुरू किया और उन्होंने सुमेरुपैक्स का मतलब है पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। सुमेरु का नाम अगर बात करें तो सुमेरु नाम आपने सुना होगा मेरु पर्वत के रूप में, ये हमारे इतिहास में और पौराणिक कथाओं में इसका नाम सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि यहां पर जो पूरे विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं और अन्य देवी देवता हैं वो इसी पर्वत पर निवास करते थे। ये भी कहा जाता है कि सूर्य जब ढल जाता है तो ये पर्वत ऑरेंज यानी कि सूर्य के कलर का चमकता है और दूर से दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुमेरु पर्वत से जुड़ी हुई है, तो उसी के नाम पर इसको सुमेरुपैक्स नाम दिया गया है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सुमेरुपैक्स नाम से एक उपकरण विकसित किया है जो स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के प्रयोग के दौरान आने वाली समस्याओं को समाप्त कर पीपीई के प्रयोग को अधिक आरामदायक बनाएगा। अब अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी समस्या के समाधान के रूप में डीआरडीओ ने सुमेरुपैक्स, जहां पर पैक्स शब्द का मैंने आपको बताया कि पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम नाम से वायु संचालन प्रणाली विकसित की है। ये क्या होगा, इसमें एक फैन लगा होगा और ये अंदर की जो भी गर्म हवा है उसको बाहर भेजेगा जिससे आपका जो शरीर है उसको ठंडा रखने की कोशिश की जाएगी। आप ऐसा समझ सकते हो कि छोटा मोटा वेंटिलेटर टाइप इन्होंने बनाया, वेंटिलेटर क्या कह सकते हैं, इसे एग्जॉस्ट कह सकते हैं, ज्यादा सही वर्ड होगा, एग्जॉस्ट टाइप का कुछ बनाया है। और इसका जो वजन है वो लगभग आधा किलो का है और ये छोटे बैग के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसे आप अंदर से ऐसे बैग के रूप में पहन लीजिए और फिर उसके ऊपर से आप पर्सनल इक्विपमेंट किट पहन लीजिए, बाकायदा ये अपना आपका हर काम करेगा। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना सन 1958 में हुई थी और वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। तो फिलहाल सुमेरुपैक्स किसने बनाया है, ये क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। ये पीपीई के अंदर हवा को एक सर्कुलेशन बनाए रखने का एक किट है। आरबीआई ने एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। किसने की है, आरबीआई ने। क्या बनाने की घोषणा की है, एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आप सभी समझ सकते हैं पेमेंट का मतलब क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है भुगतान, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक फंड बनाया गया। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, देखिए भारत में कई तरह के सिटी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जनसंख्या के आधार पर आप उन्हें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक बांट सकते हैं पॉपुलेशन के आधार पर। भारत में ज्यादातर जो सिटी है टीयर 1 एंड टीयर 2 है जहां पर जनसंख्या लगभग 1 लाख से ज्यादा है, और ऐसे में टीयर 1 सिटीज में भी आपने ये देखने को मिलेगा कि वहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जिसमें आप बिना नगद के भी अपना लेन देन कर सकते हैं, चाहे वो एटीएम हो, चाहे वो आपका नेट बैंकिंग हो, चाहे वो आपका पीओएस मशीनें हो। लेकिन जो टीयर 6 या टीयर 5 के आसपास की जो शहर हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है या बहुत विरल बसा हुआ है पूरा, तो ऐसे में वहां पर भी डिजिटल भुगतान को पहुंचाने के लिए एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इसको बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक फंड डेवलप किया गया है। 500 करोड़ रुपए का फंड जो है ये उन दुकानदारों को पहुंचाया जाएगा, उन दुकानदारों को पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीनें पहुंचाई जाएंगी। पॉइंट ऑफ सेल मशीनें आपने देखी होंगी, जब आप कहीं पेट्रोल वगैरह भराने जाते होगे तो एक मशीन आपको मिलती है जिसमें कार्ड स्वैप कर लेते हो, तो वही पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। ये छोटे छोटे दुकानदारों को दी जाएगी ताकि उनका भी डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में योगदान हो सके। यहां पर मैंने बात की डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो लोग भी हमारे वित्तीय समावेशन में है, जो लोग भी लेन देन का हस्तांतरण करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं पैसे रुपए का लेन देन करते हैं, वो उसको डिजिटली करने लगे, और इसके लिए ये फंड जुटाया गया है जिसमें 250 करोड़ तो आरबीआई ने डाल दिए हैं, बाकी 250 करोड़ वो लोग डालेंगे जो से वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, और जो बैंक वगैरह है जो भी कार्ड इशू करते हैं या जो भी इस तरह से पॉइंट ऑफ सेल का नेटवर्क इशू करते हैं, उन सभी के जरिए यहां पर 250 करोड़ रुपए और जुटाए जाएंगे और फिर 500 करोड़ रुपए से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में ये चीज डेवलप की जाएगी। बात हो रही थी क्या हुआ है, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने डेवलप किया है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कितने रुपए का डेवलप किया है, 250 करोड़ रुपए का, 250 करोड़ रुपए और लिए जाएंगे। कहां से आएंगे, वो जो भी कार्ड इश्यूअर कंपनी है उनसे लिए जाएंगे।
इसके अलावा POS मशीन के जरिए कारोबारी डिजिटल तरीके से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। इससे उन्हें नकदी को संभालने की झंझट नहीं रहेगी और पिछले कुछ समय से RBI देश में ई भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इस फंड से केवल Tier 3 से लेकर Tier 6 देशों के केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के कारोबारियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि भाई उन्हें आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन दोगे तो उन्हें वो क्यों खरीदेंगे, उनका काम चल रहा है, तो आपको उन्हें फ्री में देना पड़ेगा। भाई ये मशीन रख ले और इससे आप जब पेमेंट करोगे तो आपके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, तब वो ये मशीन का उपयोग करना शुरू करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा और बात करते हैं टीयर के बारे में। भारत में जो पॉपुलेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है वो 6 शहरों तक किया गया है। Tier 1 में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है। Tier 2 में 50,000 से 99,999 तक आते हैं। Tier 3 में 20,000 से लेकर 50,000 तक। Tier 4 में 10,000 से लेकर 20,000 तक। Tier 5 में 5,000 से लेकर 9,999 तक। और Tier 6 में 5,000 से भी कम जिनकी जनसंख्या है वो शामिल होते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है, आपको बताना है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन पे फटाफट से लिखकर बताइए। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी, लेकिन बाद में जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्तमान समय में शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और इनको अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। आरबीआई के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, नाम था उनका विरल आचार्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनकी जगह एक नए आए माइकल देवव्रत पात्रा, क्योंकि माइकल देवव्रत पात्रा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से आए थे तो वहां पे भी एक जगह खाली हो गई, तो वहां पे जो अपॉइंटमेंट हुआ वो जनक राज जी का हुआ। याद रखेंगे विरल आचार्य गए, माइकल देवव्रत पात्रा आए, माइकल देवव्रत पात्रा की जगह कौन आया, जनक राज जी आए। जनक राज जी अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर जो वर्तमान समय में विरल आचार्य की जगह है वो माइकल देवव्रत पात्रा हैं और जनक राज जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में चले गए हैं। हाल फिलहाल ये जानकारी थी। RBI ने क्या डेवलप किया है, एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अगली जानकारी है नगर वन कार्यक्रम, बेहद इंपॉर्टेंट। जो लोग SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। नगर वन, नगर वन मतलब अर्बन फॉरेस्ट, ये कंसेप्ट क्या है? देखिए हम सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हम क्या करने लगे, हम जंगलों को काटने लगे, जंगलों को काटने लगे तो हमारे यहाँ जो वनीकरण है वो कम होता जा रहा है। अब इस वनीकरण को बनाए रखने के लिए एक नई योजना इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की जो थीम थी वो बायोडाइवर्सिटी, या आप उसे सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इससे हटकर इंडिया ने क्या किया, यहां पर एक नगर वन यानी अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को शुरू किया। अर्बन फॉरेस्ट स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगले 5 सालों में 200 शहरी वन विकसित किया जाएगा, यानी शहर के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर वन नहीं है लेकिन वो लैंड खाली पड़ी है तो वहां पर वनीकरण किया जाएगा। अब वनीकरण के लिए पैसा कहां से आएगा, वनीकरण के लिए जो पैसा है वो आपका कैंपा फंड से आएगा। अब ये क्या होता है सर, कैंपा फंड क्या होता है? देखिए कैंपा फंड जो दोस्तों होता है इसका वैसे तो फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी। कैंपा फंड का फुल फॉर्म क्या हो गया, कंपनसेटिंग एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट, कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन फंड भी है यहां पर, फंड मैनेजिंग एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या है, ये एक एडहॉक संस्था है। ये फंड डेवलप कैसे किया जाता है, मान लीजिए आप कहीं पर माइनिंग करना चाहते हैं लेकिन वहां पर पहले से वन लगे हुए, तो ऐसे में आपको जितनी एरिया में आप माइनिंग करना चाहते हो, जितनी एरिया में आप एफॉरेस्टेशन यानी अवनीकरण करोगे, यानी जितना आप वहां से वन हटाओगे उतने एरिया में आपको वन लगाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, और इससे वो कंपनी जो होती है वो अपना फंड जो पैसा देती है उसको इस फंड में डाला जाता है जिसे कैंपा फंड कहते हैं। कैंपा फंड का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मैं अक्सर इसको भूल जाता हूं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इस फंड का 90% उस राज्य सरकार के हाथ में होता है जिस राज्य की लैंड
फॉरेस्टेशन से हटाकर वहां पर माइनिंग की अथॉरिटी दी जाती है या इंडस्ट्री लगाने की अथॉरिटी दी जाती है, जबकि इसका 10% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, ये कैंपा फंड हो गया। तो नगर वन कार्यक्रम क्या करेगा, नगर वन कार्यक्रम कैंपा फंड का पैसा जो 90% है उसका उपयोग करेगा और अगले 5 सालों में 200 शहरों के अंदर जहां पर भी जो लैंड खाली पड़ी है वहां पर वनीकरण करेगा। अच्छी योजना है, बढ़िया योजना है, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 2-4 टेक्निकल टर्म है यहां पर कि इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन विकसित करना है, साथ साथ कैंपा फंड का इसमें उपयोग किया जाएगा। और अगर हम देखें तो एक पुणे में इस तरह का रोल मॉडल डेवलप किया गया है जिसे वारजे अर्बन फॉरेस्ट नाम का, यह पहला रोल मॉडल है जो कि पुणे में है और इसी के आधार पर पूरे देश के 200 शहरों पर डेवलप किया जाएगा। यह डेवलप हो चुका है, यह पुणे में है, इसको याद रखिएगा, वारजे अर्बन फॉरेस्ट, इसको जरूर याद रखिएगा। 3 पॉइंट आप याद रखिए, क्या हुआ कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जी ने क्या किया, नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की, इसका उद्देश्य है अगले 5 सालों में 200 शहरी वन विकास करना, वारजे अर्बन फॉरेस्ट जो कि पुणे में स्थित है इसके आधार पर रोल मॉडल से विकास करेंगे। पैसा कहां से आएगा, पैसा कैंपा फंड से आएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह है किरण मजूमदार शाह, इनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब इन्हें क्या किया गया है, बायोगन के संस्थापक और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक को वर्ष 2020 के लिए EY वर्ल्ड एंटरप्रेनर के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार सस्ती जीवन रक्षक दवाओं के सार्वभौमिक उपयोग को बेहतर बनाने के लिए और इस तरह से दुनिया को बदलने के लिए उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। इसमें 41 देशों के लगभग 46 एंटरप्रेनर को शामिल किया गया था, जिसमें से ये अवार्ड किरण मजूमदार शाह को दिया गया जो कि बायोकॉन की MD हैं, जिनको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। इन्होंने जो ये बायोकॉन जो है ये जेनरिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं जो महंगी महंगी दवाओं को बहुत सस्ते दामों में बना रही है। इसके अलावा यह पुरस्कार ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्हें मिला है, ये वैसे तो तीसरी भारतीय है जिनको यह पुरस्कार मिला है, लेकिन यह पहली भारतीय महिला है और दूसरी महिला है जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली भारतीय महिला यानी कि पहली भारतीय महिला, भारत की तरफ से पहली महिला है जिनको यह अवार्ड मिला है, लेकिन यह महिला के नंबर पर दूसरी है क्योंकि इससे पहले सिंगापुर की हाइफ्लक्स लिमिटेड की ओलिविया लुम को यह पुरस्कार उन्होंने 2011 में जीता था, उसके बाद यह दूसरी महिला है। इसके अलावा उदय कोटक और नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। उदय कोटक को 2014 में यह पुरस्कार मिला था, जबकि नारायण मूर्ति को यह पुरस्कार इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति को यह पुरस्कार 2005 में मिला था। उदय कोटक जी के बारे में बात करें तो कल हम लोगों ने इनके जुड़ी हुई एक न्यूज देखी थी कि उदय कोटक जी को CIII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने विक्रम किर्लोस्कर जी की जगह ली है। ये कल ही अपॉइंटमेंट मैंने आपको पढ़ाया, याद आ गई होगी सारी चीजें। चलिए, तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार किसको मिला है, किरण मजूमदार शाह को मिला है। अगली जानकारी है, अंडर 17 वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप कहां होने वाला है, भारत में होने वाला है। कब होगा, 17 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक ये भारत में आयोजित किया जाएगा। वैसे तो ये 2020 में ही हो जाता, लेकिन 17 फरवरी से कोविड-19 की वजह से इसको टाल दिया गया। अब ये 17 फरवरी से 7 मार्च के दौरान 2021 में भारत में आयोजित होगा, जबकि अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप आपका कोस्टारिका और पनामा में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा एशियन वुमेन कप 2022 जो है ये भारत को इसकी मेजबानी मिलने वाली है। यह 1979 के बाद दूसरी बार है जब टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। कौन से टूर्नामेंट का आयोजन, 2022 या 2020 वुमेन्स एशियन कप। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूट के योग्य हो जाएगा, यानी अपने आप ही उसे यह मिल जाएगा। भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार देने का निर्णय AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट में 8 टीमों, पहले इसमें 8 टीम खेलती थी, अब इसमें 12 टीम खेलेंगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात करें यानी एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करें तो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसकी स्थापना मनीला फिलीपींस में हुई थी और इसका मूल संगठन फीफा है। और इस समय अगर इसके विजेता की बात की जाए यानी एशियन फुटबॉल विश्व कप की बात की जाए तो मौजूदा समय में इसका जो विजेता है वो जापान देश है। तो हाल फिलहाल 2022 का वुमेन एशियन कप जो है ये भारत में खेला जाने वाला है। इसके अलावा अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप है, वो भी आपका भारत में खेला जाने वाला है। विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में ट्विन समिट की मेजबानी करने वाला है। ट्विन समिट प्रतिभागियों के हिस्सेदारी के साथ साथ वर्चुअल माध्यम से दावोस में आयोजित की जाएगी, जिससे विश्व प्रमुख सरकारी और व्यापारिक नेता हिस्सा लेंगे।
इस शिखर सम्मेलन का जो विषय रहेगा वो रहेगा द ग्रेट रीसेट। दावोस शिखर सम्मेलन में वैश्विक सरकार व्यापार जगत के प्रमुख नेताओं को एक साथ लाया जाएगा और ग्रेट रीसेट संवाद पारंपरिक सोच की सीमाओं से परे जाकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। द ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच और HRH द प्रिंस ऑफ वेल्थ की एक संयुक्त पहल है। द ग्रेट रीसेट डायलॉग के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपलिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए क्राउडसोर्सिंग इनोवेशन द्वारा योगदान देगा। तो हाल फिलहाल विश्व आर्थिक मंच जो है ये 2021 की मेजबानी इसकी मेजबानी करने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर करेगा? दावोस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके जो संस्थापक थे वो क्लास एम स्वाब थे। वर्तमान समय में इसके जो लीडर हैं वो भी क्लास एम स्वाब हैं और ये जनवरी 1971 में इसकी गठन किया गया था। विश्व आर्थिक फोरम एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका जो मेन मोटिव है वो सभी देशों के बीच में एक आर्थिक इकोनॉमिक जो है वो सामंजस्य बनाए रखना है। अगली जानकारी है, बुकलेट लॉन्च की गई है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 के मुताबिक। तो मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। ये बुकलेट किसने लॉन्च की है? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। क्यों? ताकि ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों शिक्षकों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और इसमें दो लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है, एक है NCERT और एक है आपका UNESCO। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 बुकलेट बच्चों युवाओं के लिए क्या करें क्या ना करें, किस प्रकार कोरोना वायरस से बचें और उनके पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है उसको कैसे भरपाई करें, इन सब के लिए उनको गाइड करेगा। तो फिलहाल ये बुकलेट लॉन्च की है आपके MHRD ने। और इसके अलावा अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल है ऋषिकेश सेनापति। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था, लेकिन इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। वर्तमान समय में आंद्रे एजोले जो है वो आपके यूनेस्को के हेड है। अगली जानकारी है, ये थोड़ा सा सोचने में अजीब लग रहा है और ये जब मैं खबर आपको सुनाऊंगा, जब ये बात आपको बताऊंगा तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि एक्चुअल में कुछ होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। यहां पर दिखाया जा रहा है कि बेरोजगारी की जो दर है वो थोड़ी सी कम हुई है। कैसे? हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की बेरोजगारी की दर में कमी आई है। चौंकाने वाली बात है, जहां एक और वर्ष 2017-18 में ये 6.1% थी, वहीं 2018-19 में ये घटकर 5.8% रह गई है। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी PLFS 2018-19 के अनुसार इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर में 37.5% के साथ मामूली सुधार हुआ है, जो कि 2017-18 में 36.9% था। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6% थी और महिलाओं में 3.5%, जबकि नगरीय क्षेत्र में यह दर पुरुषों में 7.1% तथा महिलाओं में 9.9% थी। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक कामगार ने औसतन करीब 45 घंटे कार्य किया, जबकि नगरीय क्षेत्र में एक सप्ताह में एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक कामगार ने औसतन 50 घंटे काम किया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है? इसमें इंपॉर्टेंट यह रहता है कि इस सर्वे के मुताबिक भारत की जो बेरोजगारी दर है वो 2018-19 में कितनी रही है? 5.8%। अब ये 2018-19 का आंकड़ा है, 2019-20 का आना बाकी है, 2020-21 का तो जाने कब आएगा। तो हाल फिलहाल बस इतना ही याद रखेंगे, 5.8% तो पर्याप्त रहेगा। अगली जानकारी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण के हालिया आंकड़ों के अनुसार देश में 8 सालों के दौरान हमारे देश में 750 बाघों की मौत हुई है। इन मौतों में 369 प्राकृतिक कारणों से हुई है और 168 का अभी भी अवैध शिकार किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई है और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। आंकड़ों में यह भी बताया गया कि 2012 और 2019 के बीच देशभर में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा 101 बाघों को पकड़ा गया है, चाहे वो चिड़ियाघर के लिए हो चाहे वो किसी भी वन्य जीव प्राधिकरण के द्वारा हो, उन्हें पकड़ा गया है। और हाल फिलहाल अगर हम देखें तो टाइगर सेंसस जारी हुआ था 2019 में, उसमें बताया गया था कि भारत में अभी 2967 बाघ है, 2967 यहां पर उल्टा लिखा हुआ है, 2967 होना चाहिए था, ठीक है।
अभी बात करें तो ये हमें पता चला कि 2006 में हमारे पास 1411 टाइगर थे, जो 2018 में यानी कि लगभग 12 साल में डबल हो गए, 2967 टाइगर हो गए। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है 526, फिर उसके बाद कर्नाटका का नंबर आता है जहां 524 टाइगर है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसकी शुरुआत कब की गई, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया। तो चार मेन प्रोजेक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत थी ये 7 अप्रैल 1973 में बाघ संरक्षण नियम के अनुसार की गई, बाघ संरक्षण विधेयक के अनुसार की गई, जबकि प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 से 1982 तक चलाया गया, जो भी घड़ियाल है उनको बचाने के लिए, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, जबकि एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है ये 2004 में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुए ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और अब बारी करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग वन लाइनर पर। किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? तो वो है डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है? वो 5.8% रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य ने बाघों की सबसे ज्यादा मौत हुई है? तो वो मध्य प्रदेश में रहा, जहां 173 बाघों की मौत नजर आई। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो वो इंडिया करेगा। किसको वर्ष 2020 के लिए ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेनर के रूप में नामित किया गया है? तो वह किरण मजूमदार शाह। सरकार ने पूरे देश में शहरी वन विकसित करने के लिए यानी अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वह है नगर वन। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट जारी की है। किन दो संस्थाओं के सहयोग से जारी की है? एक एनसीईआरटी है और एक यूनेस्को है। विश्व आर्थिक मंच जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करने वाला है, और इसका विषय क्या रखने वाले हैं? इसका विषय रखने वाले हैं द ग्रेट रिसेट। किसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? आरबीआई ने। सबसे अधिक वेतन पाने वाले सेलिब्रिटीज की फोर्स वार्षिक सूची में कौन सी इस पर रहा है? तो काइली जेनर और कान्ये वेस्ट, जबकि अक्षय कुमार एकमात्र इंडियन सेलिब्रिटी है जो 52वें स्थान पर है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विद्यालयों में भारत के कितने विद्यालय स्थान पा पाए हैं? तो वो है टाइम्स आयर एजुकेशन ग्रुप द्वारा दी गई इस रैंकिंग में भारत के 8 विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने स्थान पाया है। अब आ रही है आज के हमारे क्विज की, फटाफट से करते तेजी के साथ। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश को करनी है? तो वो है इंडिया। किसको 2020 के लिए ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है किरण मजूमदार शाह। सरकार ने पूरे देश में शहरी वन विकसित करने के लिए कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया है? तो वह है नगर वन योजना। किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नाम का एक उपकरण विकसित किया है ताकि जो एयर सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे? तो डीआरडीओ ने। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो वह 5.8%। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो वो रहा मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ भी वहां है, मौत भी सबसे ज्यादा वहीं हुई। रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है, जो एनसीईआरटी और यूनेस्को के सहयोग से बनाई गई है। किस विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में एक यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी करने वाला शिखर सम्मेलन का विषय क्या होगा? द ग्रेट रीसेट। किसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो वो है आरबीआई। सबसे अधिक वेतन पाने वाले सेलिब्रिटी की फोर्ब्स वार्षिक सूची में कौन सी इस पर रहा है? तो काइली जेनर और कान्ये वेस्ट। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2020 में एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिए गए हैं? तो 8 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिले, जिनमें आईआईएससी बैंगलोर टॉप पर आया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।